नमस्कार, मारुति मल्टीमीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही सुंदर आपको एक लेसन दे रहा हूँ जो कि है गरबा का। गरबा का फुल बंडल मैं दूंगा जिसमें तीन बोल होंगे, और उस तीन बोल को यदि आप सीख जाते हैं तो आप कहीं भी यदि गरबा बजा रहे हैं तो उन तीन बोलों के अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला। तो आपको आज सबसे सरल और सबसे बढ़िया लेसन मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा बजा के दिखाता हूँ फिर सिखाता हूँ कैसे बजाते हैं। तो इसमें एक उठान है, एक मीडियम बोल और एक फास्ट का बोल है। तीनों बोल मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले उठान सिखाऊंगा। उठान है धी धी ता, इसको हमको तीन बार बजाना है। धी धी ता, धी धी ता, धी धी ता, ता पे हर बार आपको थाप लेना है। अब धी जो बोल है एक्चुअली धिन से रिलेटेड है, पर उसको हम थोड़ा चिपका के बजाएंगे तो खूबसूरती आएगी। तो पहली फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर से आपको जो मैदान पर आप खुला बजाते हैं उसको दबा के लेना है, और लेफ्ट में घे उसके साथ ता यानी ना, ठीक है। ता के ऊपर आपको लेफ्ट में थाप भी लेना। कैसे? धी धी ता। ओके, फिर से देखते हैं। धी धी ता। बस इस बोल को आपको तीन बार बजाना है, और ता के बाद छोटा सा माइनर सा गैप रखना है। देखिए कैसे बजेगा। धी धी ता, धी धी ता, धी धी ता। तीन बार बजाना है। तीन बार बजा के जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा गैप लें, क्योंकि उससे आपको तीन बार रुकने का अनुभव आता रहेगा, आपके माइंड में तीन बार का सेट होगा। तो कैसे देखते हैं हम। धी धी ता, 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 धी धी ता। तो इसको आपको लय में बजाना है। जिस लय में आप बोल को लेने वाले हैं उसी लय में आपको उठान को बजाना है। तो बड़ा सरल सा उठान है, उठान बहुत कठिन नहीं है। अब हम देते हैं गरबे का बोल जो कि कुछ इस प्रकार से बजता है। यदि आप शुरुआती स्तर पर अभी बजाना चालू करा है, अपने बिगिनर लेवल पर है, तो आपको इस सरल बोल को पहले सीखना चाहिए। तो वो कैसे बजता है मैं दिखाता हूँ आपको। धी ता धी धा ती ता ती ता, धी ता धी धा ती ता ती ता। ये सबसे सरल वे है इसका बजाने का। तो कैसे? धी मतलब वही, ती मतलब पहली उंगली से आपको चिपका के मैदान पे लेना, लेफ्ट में घे उसके साथ लेना, धी बनेगा। धी ता के लिए ना, ना और ताल वे सेम होता है। फिर धी धा, तो हम धीरे धीरे उसको हम समझते हैं। धी ता धी धा ती ता ती ता, धी ता धी धा ती ता ती ता, धी ता और ती। ये तीन ही अक्षर से ये बोल बना है, कोई बहुत बड़ा बोल नहीं है, तीन अक्षरों से पूरा बोल बनता है। और राइट में अल्टरनेटली फिंगर चलती है, अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। तो बड़ा सरल है, बहुत ही खूबसूरत। बस इसका आपको रिदम समझना है। रिदम आपके माइंड में बैठ गया तो आप आराम से इसको बजा सकते हैं। देखते हैं कैसे बजता है फिर से एक बार। धी ता धी धा ती ता ती ता। यदि आप पहली बार बजा रहे हैं तो आप जरूर मेरी इस लय को फॉलो करें। धी ता धी धा ती ता ती ता। तो ये जो है सरल वर्जन का बोल है, गरबे का सबसे सरल रूप है। ये आप आसानी से बजा सकते हैं। इसका एक क्लिष्ट बोल भी आता है जो कि हम कह सकते हैं कि एडवांस वर्जन, वो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ उसको बोल क्या है। थोड़ा सा परिवर्तन करने से यही बोल स्पेशल बन जाता है। कुछ कैसे बजता देखिएगा, बताता हूँ मैं आपको।
तो एक इसके अंदर शब्द जुड़ा है कड़, वो कैसे बचता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। बोल क्या है वो समझते हैं पहले हम। धी ता धी धा तिकड़ता धी धा, ओके। धी ता धी धा तिकड़ता ती धा धिकड़ धी ता धी धा तिकड़ता धी धा। अभी कड़ बोल कैसे बचता है, पूरा बोल कैसे बजेगा, वो सब कुछ चीज़ समझाता हूँ। तो इसमें जो एक शब्द हमने यूज़ करा कड़, वो एक्चुअली होता क्या, क के लिए हमको क बजाना है और ड़ के लिए दो फिंगर मध्यमा अनामिका मिडिल फिंगर रिंग फिंगर को मिला के शाही के कोने में टच करना है, इसे ड़ शब्द बनता है कड़, ठीक है। पर इस बोल को हमें चौथी मात्रा के अंदर ऐड करना है, तो कैसे बजेगा देखते हैं। धी ता धी धा, फिर तिकड़ता के लिए कड़ बहुत फास्ट है, तिकड़ता धी धा तिकड़ता धी धा। बहुत धीरे धीरे बजाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, एक बार फिर से देखिएगा। धी ता धी धा तिकड़ता धी धा, धीता धीधा तिकड़ता धीधा, तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे जो कड़ है वो बोल लगाना थोड़ा सा टिपिकल है। यदि नए व्यक्ति हैं, आप नया स्टार्टिंग करा है, तो आपको शुरू वाला बोल सरल वाला ही बजा लेना चाहिए। और थोड़ा सा भी आपको कुछ दिनों का अनुभव है तो इस कड़ वाले बोल को जरूर यूज़ करके देखना चाहिए, ये बहुत आराम से बजेगा। और भी आप इस वीडियो के प्लेबैक स्पीड कम करके इसको और समझ सकते हैं आराम से कि ये कैसे बज रहा है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मतलब सीखते हैं घर बैठे, जैसे आप वीडियो सीख रहे हैं वैसे सीखते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन सीखते हैं जो मेरे से डायरेक्टली घर बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्लासेस लेते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं और उनको मैं स्पेशल प्रोफेशनल लेसन देता हूँ लाइट के लिए। तो यदि आप चाहें कि डायरेक्टली मेरी क्लास ज्वाइन करना, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे क्लास की इंक्वायरी कर सकते हैं। और यदि बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, तबला ढोलक पखावज, तो वो भी हम खुद बनाते हैं, बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं और हमारे यहाँ खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो भी हम और कस्टमाइज भी करते हैं, तो आप चाहें तो उसके लिए भी बात कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक ही बोल के दो वेरिएशन सिखाए, लास्ट में एक फास्ट का बोल आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बजता है। तो बोले धीता धाती धाता धीता ताती ताता, धीता धाती धाता धीता ताती ताता। सब कुछ आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है, कैसे बजना है समझाता हूँ। बोल भाई धी ता और ती, तीन ही अक्षरों में फिर भी ये बजेगा। सबसे सरल बोल होता है गरबा का लेसन, बस हमें थोड़ा रिदम याद होना चाहिए। यदि हम रिदम यदि सेंस रख लेते हैं या रिदम हम को अच्छे से समझ लेते हैं तो बजाना बड़ा आसान होता है। देख कैसे बजेगा। धीता धाती धाता धीता धाती धाता, धीता धाती धाता धीता धाती धाता। अब आपको ध्यान रखना कि जब भी आप बोल चेंज करें या स्पीड चेंज करें तो आप यदि एज ए सेपरेटर उठान लेते हैं तो खूबसूरती बढ़ती है। तो ये सब कुछ मैंने आज इस लेसन में आपको सिखाया कि गरबा कैसे बजाया जाता है, गरबा को बजाने के लिए कौन कौन से बोलों को आप बेसिक लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर सभी बंधुओं के लिए शेयर करिए और उसको लाइक करिए। यदि आने वाले समय में आपको और भी नए वीडियो का लाभ उठाना तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कि बहुत सारे वीडियोस में आने वाले समय में और भी चढ़ाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।